इस्तिंजा के बारे में ये भी आप जहन नशीन फरमा लें। जब भी आप पेशाब करोगे नरम जमीन पर करेंगे, सख्त जमीन पर नहीं, उससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है हम सख्त जमीन पर पेशाब करें, छींटे उठे और वह हमारे कपड़ों पर पड़ जावे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इससे भी मना फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा दो कब्रों से गुजरे, सहाबा से फरमाया इन दो कब्र वालों को अजाब चल रहा है, इनमें से एक ऐसा है जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोर था, एक की बात दूसरे को, दूसरे की बात तीसरे को बोला करता था, यहाँ तक कि झगड़ा हो जाता था, चुगलखोर था, बुग्ज़ आपस में पैदा करता था। और मसला यह है कि मुझे जो बोलना है वो ये है कि पेशाब की छींटों से न बचने वाला उनमें से एक था जिसको कब्र में अजाब था, तो इसलिए हमें इसे एहतियात करना चाहिए। नंबर दो, हड़ी और कोयला, इनसे इस्तिंजा न करें, बचना चाहिए। यह हमारे जिन्नात भाइयों की खुराक है। इसी तरह जो गोबर होता है जिसको हम धूप में रखते हैं, फिर वो सूखा बन जाता है वो गोबर, फिर हम अपने खेतों में डालते हैं, उस गोबर से भी इस्तिंजा न करें, यानी पेशाब पाखाना साफ न करें, क्योंकि उस पर जन्नात के जानवरों की खुराक है, उससे भी बचना चाहिए, उससे भी इस्तिंजा न करें। इसी तरह जब भी आप बैतुल खला में दाखिल हो जाए, अगर अंगूठी पहनी हो या तावीज पहना हो जिस पर अल्लाह का नाम जाहिर हो, नजर आता हो, लिखा हो, तो उसको बाहर ही निकाल के रख दे, वहां न ले जाए। अल्लाह का नाम नजर आता हो और आप उसको बैतुल खला में ले जाए, ये बेअदबी है, तो ऐसा नहीं करेंगे, इससे भी बचना बहुत जरूरी है। और जब भी आप इस्तिंजा तहारत करोगे इस्तिंजा के बाद, तो आप जरूरी ये काम करना, पानी के साथ साथ मिट्टी के ढेलों का इस्तेमाल करना ये मुस्तहब है, इसको भी जहन नशीन फरमा लें। और जब बैतुल खला से बाहर निकल आएंगे तो दाया पैर बाहर रखेंगे, क्योंकि मस्जिद में दाखिल होते वक्त दाया पैर ले जाते हैं, वहाँ से निकलते वक्त बाया पैर, लेकिन बैतुल खला में इसका उल्टा है, जाते हुए बाया पैर लो और बाहर निकल आते हुए दाया पैर बाहर निकालो और दुआ पढ़ो, गुफरान का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ये दुआ पढ़ के आप फारिग हो जाए, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।